नमस्कार दोस्तों, हम सीख रहे हैं एडोब एनिमेट सीसी। जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे, यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल है, इस तीनों सिलेक्शन टूल का यूज कैसे करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ब्रश टूल का यूज कैसे करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का कार्टून बनाना, तो आप मेरे यूडमी पे जो है 4 कोर्स अपलोड किया हूं, उसको आप इनरोल कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं एनिमेट सीसी का है। एनिमेट सीसी में जो है विजुअल इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उसके बाद देखते हैं, तो कार्टून एनिमेटर 4 का है। उसके बाद जो है इलस्ट्रेटर है, जिसमें कि आप कोई भी बैकग्राउंड या कार्टून को क्रिएट कर सकते हैं। और इस चारों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे कि कूपन कोड भी दिया हुआ है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारा कॉमेंट आता है कि जहाँ यहाँ पे देखिए एक फ्लूड ब्रश टूल है, ये टूल वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण है, अगर आपका विंडो जो है पायरेटेड होगा, यानी कि विंडो परचेज नहीं किए हैं, तो ये टूल जो है आपके पास वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको विंडो जो है परचेज करना पड़ेगा, तभी ये टूल वर्क करता है। और इस टूल का काम बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास स्केच पैड है तो ही ये ज़्यादा वर्क करता है। अदरवाइज ये जो है, अगर आप कीबोर्ड से माउस से करोगे तो ये ज़्यादा वर्क नहीं करता है, सिंपल तरीके का वर्क करता है। तो इसके लिए आपको अगर स्केच पैड है उस पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये सेंसिटिव होता है, जो कि आपको प्रेशर से या नॉर्मल प्रेशर से ये वर्क करता है। तो फ्लूड ब्रश टूल का जो शॉर्टकट कमांड होता है दोस्तों, शिफ्ट बी होता है। अगर शिफ्ट और बी प्रेस करते हैं तो फ्लूड ब्रश सेलेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ सेटिंग दिया हुआ, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे भी इसका सेटिंग दिया हुआ है। इस जो सेटिंग है, ये सभी में, चाहे फ्लूड ब्रश टूल हो या ब्रश टूल हो या इरेजर टूल हो, सभी में ये सेम टाइप का काम करता है। आप यहाँ पर अगर इस पर क्लिक कर देते हैं, आप देखिए कुछ इस टाइप से वर्क करता है। और यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्लूड ब्रश को लेते हैं। फ्लूड ब्रश जो ही सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ सेटिंग दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइज के लिए भी सेटिंग दिया हुआ, बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ। जैसे मान लीजिए साइज इसका जो है, अभी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से सेटिंग हो रहा है। अगर इसको मैं छोटा करूँ, देखिए कुछ इस टाइप से हो रहा है। इससे ये जो है साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए स्टेपलाइजर है, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से काम करता है। इसमें आपको ज़्यादा पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसमें स्मूथनेस आता है। तो इसलिए बोला गया कि फ्लूड ब्रश टूल जो है ज़्यादातर जो है स्केच पैड पर काम करता है। तो हम इसके बाद यहाँ पर देखिए सभी को सेटिंग करते हैं। यहाँ पर कर्सर सेंसिटिव यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इसका, इसको क्लिक करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से वर्क करता है। और इसको मैं अगर थोड़ा कम कर दूं, देखिए, और उसके बाद यहाँ पे हम अगर 0 करते हैं तो अभी देखिए कुछ इस टाइप से हो रहा है। और इसको मैं सभी को हम कम कर देते हैं, देखिए नॉर्मल रहने देते हैं, इसको भी मैं कम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आपको ज़्यादा पता नहीं लग रहा, क्योंकि हमने सभी को 0 कर दिए हैं। और इसको मैं यहाँ से सभी को बढ़ा देता हूँ, देखिए। अब देखिए अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो है प्रेशर जो है बिल्कुल 0 किया हुआ है। तो प्रेशर को आप जितना रखेंगे उस हिसाब से ये काम करता है। देखिए प्रेशर को आप जिस हिसाब से रखते हैं, क्योंकि ये जो है प्रेशर सेंसिटिव है, हम इसको और भी बढ़ाते हैं। अगर देखिए आप देखिए ये मोटा होता चला जाएगा, प्रेशर को हम और बढ़ाते हैं, देखिए। तो बेसिकली अगर आपको फ्लूड ब्रश टूल वर्क करना है, तो आपको स्केच पैड लेना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पे जो है स्केल का है, जूम साइज है, विथ स्टेज, इसके अकॉर्डिंग ये सभी जो है स्केच पैड पे वर्क करता है। और इसमें जो है, इसमें समझने वाली बात है कि हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं,
तो जो ऊपर का ऑप्शन है ये सभी में ब्रश टूल में भी सेम टाइप से वर्क करता है। देखिए अगर इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पेंट है, पेंट बिहाइंड है। अगर इसको नॉर्मल रहने देते हैं तो नॉर्मल होगा। उसके बाद इसको जो है पेंट फिल आउट है, इसको कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक ब्रश लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से, और इसमें फिल को मैं हटा देता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ, और इसके अंदर स्ट्रोक को मैं कोई भी कलर रखता हूँ, इसको थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देता हूँ। ये हमारे पास एक मैंने बॉक्स लिया। अब होता क्या है, जो फ्लिट ब्रश टूल है या ब्रश टूल है उसकी मदद से आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पेंट नॉर्मल, पेंट नॉर्मल होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए एक है पेंट फिल आउट, फिल में जो है पेंट कर सकते हैं, जो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको जो है पेंट कर सकते हैं अच्छे से फिल में, क्योंकि आउटलाइन नहीं है, फिल नहीं है तो फिल में पेंट नहीं होगा। इसी टाइप से पेंट बिहाइंड है, पेंट इसके जो है बिहाइंड होगा। अगर हम इसको कलर दूसरा लेते हैं, देखिए इसके पीछे चला जाएगा, आप देखिए इस लाइन के पीछे जा रहा है पेंट, तो पेंट बिहाइंड होगा। पेंट स्टेबलाइजर होगा, इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये नहीं हो रहा है तो इस पर नहीं होगा। उसी टाइप से हम इसको पेंट इनसाइड होगा, पेंट जो है इसके नीचे होगा, देखिए ये जो है सभी के नीचे पेंट हो रहा है, इस बॉक्स के भी नीचे चला जा रहा कोई भी पेंट अगर करते हैं तो इस टाइप से जो है ये सभी जो है सेम टाइप के वर्क करता है। हम जो है इसमें जो है जब हम इरेजर टूल पे काम करेंगे तो ये जो टूल है बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रश टूल की, तो ब्रश टूल भी सेम टाइप के वर्क करता है, कोई भी चीज़ को क्रिएट करना हो। और ये देखिए सेंसिटिव नहीं होता, इसमें नॉर्मल जो है इसका साइज अगर बढ़ाते हैं तो नॉर्मल साइज में देखिए ये बढ़ जाता है, तो इसमें कोई ख़ास जो है नहीं होता है। और इसका जो है स्मूथनेस मिनिमम साइज जो है बढ़ा घटा सकते हैं। और इसमें सेम टाइप का ये वर्क करता है, इसमें जो फील है इसको आप अलग अलग कलर के बना सकते हैं। और इसके अंदर देखते हैं तो कुछ अलग टाइप का यह है यहाँ पर दिया हुआ है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और इसमें अगर मान लीजिए हम रेक्टेंगल भी दिया हुआ है, देखिए तो इसमें ब्रश बहुत सारा दिया हुआ है, आप इसको जो है ब्रश टाइप से यूज कर सकते हैं अपने तरीके से। देखिए अगर मैं कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देता हूँ, आप देखिए कुछ इस टाइप से भी हम इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत साइज दिया हुआ है, उसको आप अपने हिसाब से ब्रश को भी यूज कर सकते हैं। हम इसमें जो है जब हम अच्छे से वर्क करेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको समझेंगे कैसे हम ब्रश टूल का कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था दोस्तों ब्रश टूल के बारे में, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।